वाट मीटर। आज हम जो है एसी सर्किट के अंतर्गत वाट मीटर और इसके अलावा केवीए केवीआर पावर फैक्टर इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमारे पास में जो है एक मीटर है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की इकाइयों का मेजरमेंट कर सकते हैं, और हमारे पास में लोड है, एक तो इंडक्टर ट्यूबलाइट वाला लोड है और एक हमारे पास सीएफएल वाला लोड है, सीएफएल वाला। तो अब हम जो है ट्यूबलाइट चालू करते हैं, इंडक्टर वाली ट्यूबलाइट चालू करते हैं, और ये जो जितनी पावर खर्च कर रही है उसको हम यहाँ देखते हैं। पावर ये ट्यूबलाइट अभी 52 वाट एक्टिव पावर खर्च कर रही है और 74 वाट जो है वीएआर खर्च कर रही है और वीए 91.42 वाट खर्च कर रही है। ये तो ये ग्राफ जो है ट्रायंगुलर, इसमें जो है वाट वीए और वीएआर ये इकाइयां यहाँ पर अभी ये मीटर दर्शा रहा है। अभी ट्यूबलाइट का पावर फैक्टर जो है 0.5 जो है वो इंडक्टिव है। अब इस ट्यूबलाइट के साथ में मैं ये कैपेसिटर लगाता हूँ जिसका मान जो है 2.5 माइक्रोफेरड है। ये कैपेसिटर ट्यूबलाइट के समानांतर लगा देता हूँ तो पावर फैक्टर 0.91 आ गया और वीएआर 22 है, वीए 55 है और वाट 50 है। तो अभी भी जो है ये कैपेसिटर जो है यूनिटी पर नहीं ला पाया, तो इसकी जगह अब मैं कैपेसिटर लगाता हूँ 3.3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाता हूँ इसकी जगह। तो 3.3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाने पर हम पावर देखते हैं कि वीएआर 0 हो गया, वाट और वीए दोनों बराबर हो गए और पावर फैक्टर 0.988 बिल्कुल यूनिटी पर आ गया। तो इस वक्त जो है W और VA लगभग एक ही लाइन पर आ गए और VAR खत्म हो गया, यहाँ VAR कुछ भी नहीं है, तो W और VA की लाइन बराबर हो गई इस वक्त। तो इस तरह से जो है हम इंडक्टर वाली ट्यूबलाइट में देखते हैं कि कितने पावर कितना माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इसके लिए सूटेबल है। तो एक ट्यूबलाइट के लिए हमने देखा 3.3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर सूटेबल है। अब हम इसी जगह ये जो CFL वाली ट्यूबलाइट है इस ट्यूबलाइट को हम चलाते हैं और इसकी पावर मेजरमेंट हम देखते हैं। ये CFL वाली ट्यूबलाइट चालू हुई, अब इसका हम पावर मेजरमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पावर, तो ये ट्यूबलाइट अभी 28 वाट खर्च कर रहा है, VAR बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहा, W और VA लगभग बराबर हैं और पावर फैक्टर भी लगभग यूनिटी पर है। इसके साथ किसी कैपेसिटर को लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंपनसेशन करने की जरूरत नहीं है। तो CFL या इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट से जो ट्यूबलाइट चलती है वो ट्यूबलाइट जो है उसका पावर फैक्टर यूनिटी रहता है। अब यहीं पर इसी जगह पर हम जो है हमारे पास एक 1 KVA का ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को जो है हम लोड पर लगाते हैं बिना किसी लोड के, ओपन सर्किट पे हमने अभी इसको पावर दी। तो पावर देने पर ये ट्रांसफार्मर अभी इसका जो आयरन लॉस है वो लगभग 90 वाट इसका आयरन लॉस है, VAR इसका ये चल रहा है, VA 620 VA है इसका, और पावर फैक्टर लगभग जो है 0 यानी 0.1 के आसपास है। अब हमें किसी भी ट्रांसफार्मर के साथ में कैपेसिटर लगा के रखने चाहिए ताकि जो है उसका पावर फैक्टर यूनिटी पर रहे। तो हम इस ट्रांसफार्मर के साथ में एक कैपेसिटर लगा के देखते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी पर आता है क्या। यूनिटी पर आ गया, ये डिस्कनेक्ट, अभी भी पावर फैक्टर यूनिटी पर नहीं आया। 100 का 2,
अभी हम इस पे 100 kVAr का कैपेसिटर जो है ट्रांसफार्मर के एक्रॉस लगाते हैं। इसके साथ लग लगा हुआ है, चलो सही भाई। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर जो है वो अभी प्योर इंडक्टिव लोड है, और ये इसका जो है आयरन लॉस जो है 86 वाट है, 90 वाट इसका जो है आयरन लॉस है, और ये VA इतना खर्च कर रहा है। अब हम इस ट्रांसफार्मर पर जब लोड लगाते हैं तो ये 220 से 110 वोल्ट बना रहा है, तो हमारे बल्ब जो है वो डिम जल रहे हैं और ये एक्टिव पावर खर्च कर रहे हैं, परंतु क्योंकि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर जो है वो कम है, इसके कारण अभी हम सही इसका पावर फैक्टर ज्ञात नहीं कर सकते कि बल्ब अभी क्या पावर फैक्टर दे रहा है। तो हम बल्ब को जो है डायरेक्ट सप्लाई से देते हैं, बल्ब का पावर हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट रजिस्ट्रिव लोड लगा के हम पावर चेक। अब हमने रजिस्ट्रिव लोड लगाया और अब हम इसकी पावर चेक करते हैं। अभी हमने 200 वाट के 4 बल्ब लगाए हुए हैं, तो 812 वाट 809 वाट खर्च करता है, VAR बिल्कुल भी खर्च नहीं हो रहा और VA भी उसी के बराबर खर्च हो रहा है, और पावर फैक्टर 0.999 लगभग यूनिटी, लगभग नहीं पूरा ही यूनिटी यही है। इसमें रोशनी आ रही, दिख नहीं रही है। तुम साइड से एंगल पीछे कर लो, आई क्या? अब मैं एक बल्ब और चालू करता हूँ, 5 बल्ब चालू कर दिए मैंने, अब इधर से लो रही 1000 वाट के हो गए, 5 बल्ब जो है वो 1000 वाट के हो गए। 4 बल्ब जलाता हूँ तो 800 वाट, परंतु यूनिटी है, पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है। तो इस तरह से हमने जो है सिंगल फेज में जो है विभिन्न प्रकार की पावर ज्ञात करी, हमने इंडक्टिव लोड भी लगा के देखा। अब हम प्योर कैपेसिटिव लोड लगाते हैं, इस पर हम जो है एक 3.3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाते हैं। जब हमने कैपेसिटर लगा दिया तब जो है कैपेसिटर वाट बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहा, VAR खर्च कर रहा है और VA खर्च कर रहा है, और पावर फैक्टर जो है 0 हो गया कैपेसिटिव। तो इस वक्त हम इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ ऐसा हो गया, इस तरह से VAR भी यही है, VA भी यही है और W लगभग 0 के बराबर है, तो ये वाली लाइन यहाँ आ गई इस जगह VA, तो VA और VAR दोनों इकाइयां जो है वो एक ही जगह आ गई। VA और VAR आ गई और W जो है वो 0 हो गई, पावर फैक्टर जो है कैपेसिटिव हो गया पूरा। कैपेसिटर कितना करंट ले रहा है ये हम यहां से देख सकते हैं, एग्जिट और नेक्स्ट एम्पियर, ये कैपेसिटर अभी जो है 0.261 एम्पियर ले रहा है। तो हमने जो है इंडक्टिव लोड लगाया ट्रांसफार्मर का, उससे पावर फैक्टर जो है लैगिंग में था, कैपेसिटिव लोड लगाया उससे लीडिंग में रहा, और लैंप लोड लगाया उससे यूनिटी पर पावर फैक्टर रहा।